हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी फेज 8 के एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि रिलीज़ हो चुका है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे आ जाना है। देन आपका जो भी रीज़न हो, मतलब कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो, वो जिस रीज़न में आता होगा, क्योंकि आपने फॉर्म वहीं से फिल किया जिस पर आपका आधार कार्ड होगा, उसी हिसाब से आपका रीज़न डिसाइड होता है। सो अगर आपको अपना रीज़न नहीं पता है, तो आप अपने आधार कार्ड पे अपना एड्रेस के हिसाब से अपना रीज़न चेक कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे आ जाना है, आपको क्लिक कर देना किसी भी रीज़न पे। मैं यहाँ पे ईस्टर्न रीज़न ओपन कर रहा हूँ, आपका जो रीज़न होगा वहाँ पे ओपन कर लीजिए। सो आपको आ जाना है यहाँ पे क्लिक करके, देन आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। तो ये ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर का आपको यहाँ पे है डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर सेलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 एग्जामिनेशन 2020। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, देन आप इस पेज पे आ जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। देन सिंपली आपको अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर याद है, तो यहाँ फिल कीजिए और ये सम अप यानी कि कैप्चा कोड यहाँ पे डालिए और नेक्स्ट कीजिए। अगर नहीं याद है, तो सिंपली यहाँ पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालिए और कैप्चा कोड डालिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद करना क्या। आपको आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने एडमिट कार्ड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर दिख जाएगा कॉर्नर पे, यहाँ पे रेड कलर पे रोल नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन सब की। जैसे ईस्टर्न रीजन में तो आपका नाम रोल नंबर डालना है, आपका कोई भी लेबल हो, मैट्रिक हो, आपका 12 हो, ग्रेजुएशन हो, डाउनलोड हो जाएगा। दूसरे जगह पर आपको अलग अलग लेवल दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। यहाँ पे मान लीजिए आपने मैट्रिकुलेशन और अलग अलग लेवल के लिए फिल किया है, तो यहाँ पे आपका देखिए ग्रेजुएट के लिए अलग क्लिक करना है, हायर सेकेंडरी के लिए अलग, और अगर मैट्रिक के लिए तो अलग। तो आपको तीनों पे अलग अलग, आप जिस लेवल के उस लेवल पर क्लिक कीजिए जिसमें आपने फॉर्म फिलअप किया, फिर वहाँ पर अपना डिटेल्स भरिए, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। और अगर आप ईस्टर्न रीजन में, तो आपको सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर नाम। सो आपको वहाँ पे तीनों का एडमिट कार्ड मिल जाएगा, एक ही बार आप अपना नाम डालिएगा वहाँ पे, अलग अलग आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तीनों का अलग अलग मिल जाएगा। तीनों का अलग एडमिट कार्ड आएगा, जैसे आपने 12 भी किया, ग्रेजुएशन भी और मैट्रिक तीनों फिलअप किया, तो तीनों का अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा। आपको तीनों के लिए 3 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा अलग अलग टाइमिंग पे। हो सकता है कि डेट एक ही मिल जाए आपको, लेकिन अलग अलग टाइमिंग भी हो सकता है, आपको अलग अलग सेंटर भी मिल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैट्रिकुलेशन लेवल का फेज़ 8 का आपका है, देख सकते हैं 2020। सो आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ये ईस्टर्न रीजन का, आप किसी भी रीज़न के वहाँ फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं अपना। सो जैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, 6 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। वीडियो देखने